नमस्ते, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक व्यूवर्स अक्षय, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बेंगलोर से, उन्होंने हमको एक रचना भेजी है। उनको शौक है, वो कलेक्शन भी करते हैं और खुद भी लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स वो बनाते हैं। उन्होंने एक रचना जो भेजी है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा है, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना, छूटे हुए को जुटाना अभी बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे और छूटे रिश्तों के जख्म मिटाना अभी बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर चुकाना बाकी है। बहुत सच कहा है। कई चीजों की जोड़ते जोड़ते इतनी हमारी रफ्तार बढ़ती गई कि कई चीजें पीछे छूट गई। 21वीं सदी में इंसान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आज इंसान सबसे बड़ी जंग उसकी अपने आप से और रिश्तों से है। रिश्तों को बनाना, उसको सहेजना, उसको समेटना, दिन ब दिन ये कठिन प्रक्रिया लगने लगी है। ऐसा क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। जैसे कहा कि 21st सेंचुरी की आज ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हुआ है, रिश्तों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनने लगी हैं। तो कहाँ ये समय ऐसा आ गया है कि हमको ये कठिन लग रहा है, जो कि बहुत नेचुरल प्रोसेस हुआ करती थी। तो ऐसा क्यों है, मतलब समय का फॉल्ट है, इंसान का है या किसका है? क्योंकि किसी एक का नहीं, पूरे सदी के अंदर हम देखेंगे पूरी मानव जात आज इसमें प्रॉब्लम फेस कर रही है। अगर सचमुच में देखा जाए तो आध्यात्मिकता के हिसाब से किसी का कोई दोष नहीं है। आपने तीन चीजें कही, समय का दोष है, हमारा दोष है या और कोई है। जी, तो तीन चीजें हमेशा होती है, एक हम होते हैं, एक दूसरे होते हैं, दूसरे लोग, तीसरा इंसान। या तो समय को या भाग्य को दोष देता है, अगर वो भी नहीं मिला तो आखिर में बच जाता है, वो है भगवान। जी, तो ये दोष देना जो है, ये स्वभाव अगर आप वैसे देखा जाए तो मनुष्य में आ गया है कुछ समय के बाद। राजयोग के हिसाब से हमने देखा कि ये द्वापर युग से चालू हुआ। ओके, लेकिन अगर ओवरऑल देखे, जब मैं ये कहता हूँ कि पिछले जन्म या बहुत सारे जन्म, तो आज का व्यक्ति 21st सेंचुरी का, वो मुझे कहता है किसने देखे हैं, जी, तो वो आज की बात करते हैं, इस जन्म की बात करते हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है। और आपने जो कविता सुनाई काफी सुंदर थी, उसमें भी अगर उसके शब्द आप देखो तो वो कवि है वो जो कहता है कि आहिस्ता चल जिंदगी, जी, अभी कई सारे कर्ज चुकाने बाकी है, जख्मों को भरना बाकी है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना बाकी है, जी, छूटे हुए उनको मिलाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी। तो वो भी जिंदगी को कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तू खुद आहिस्ता चल जिंदगी, तू आहिस्ता चल। लेकिन जीवन अपना है ना, मेरा अपना है, मतलब अपने आप को कहना है। अपने आप को जब कोई व्यक्ति कहता है, अगर वहां पे हम पॉजिटिव ले कि अपने आप को कहना है कि मेरे को स्लो डाउन होना है। 21st सेंचुरी की बात आपने कही, तो 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीजें फास्ट होने लगी है। जी, तो जो यहाँ से हमको भारत से अमेरिका जाना था, कितने महीने लगते थे पहले, बोट से जाते थे या जहाज से जाते थे, जो पानी में से जाता था, आज वो हम 6-8 घंटा में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हमने डेफिनेटली स्पीड पकड़ लिया है और बहुत सारे काम हम जल्दी कर लेते हैं। तो वो एक प्रकार का हमारे संस्कार में चीज आ गए कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। और आज के यूथ को भी हम देखते हैं तो कम उम्र में बहुत कुछ करना चाहता है वो, जी, या जिसको हम कहते हैं ओवरनाइट बिलियनर, बिलियनर बनना चाहता है वो। तो ये भी एक, जो आपने शब्द कहा ना कि स्पीड पकड़ लिया है, जी, ये स्पीड है।
तो जब बाहर टेक्नोलॉजी ने जो स्पीड पकड़ लिया है और मेरे अंदर जो चल रहा है, तो उसका इफेक्ट तो आता है, बाहर की स्पीड और अंदर की स्पीड। तो जो जीने की परिभाषा है 21st सेंचुरी में, कि अगर आपको एक सुखी जीवन चाहिए तो A to Z ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और आपको इसी स्पीड से भागना है, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हैं। जी ये जो मान्यता या बिलीफ या डेफिनेशन हमने अपने ऊपर थोप ली या बना ली है, इसमें मैं सही और गलत में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह जी रहा हूँ कि ये बन एक चुकी बिलीफ है बन चुका या है बना लिया है हमने। तो उसके साथ जब आप कोप अप करने जाते हो, तो डेफिनेटली होता है कि उसका असर हमारे संबंधों के ऊपर आता है। जी और जो कवि कह रहा है कि आहिस्ता चल जिंदगी, इसका मतलब उसको ये रियलाइजेशन है कि फास्ट चलने के वजह से जी मेरा कहीं ना कहीं बैलेंस छूट रहा है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए कर रहे हैं, रिश्तों को सुख देने के लिए कर रहे हैं। जो चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं वो उसको फेस करना भी मस्ट है। तो फिर कैसे हम उसको बैलेंस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है रिश्तों का, उसको हम कैसे बचाएं? आपने जो पहला शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं रिश्तों के लिए कर रहे हैं, जी अगर ये बात भी क्लियर है आपके बुद्धि में, हाँ इट मींस रिलेशनशिप इज योर प्रायोरिटी। अगर जी आपकी रिलेशनशिप प्रायोरिटी है तो ये होना नहीं चाहिए। होता क्या है, चलते चलते, कई सारी मूवीज भी इसके ऊपर आए, चलते जी चलते मेरी प्रायोरिटी बदल जाती है। जिस व्यक्ति के लिए या रिलेशनशिप के लिए मैं अपना पूरा जीवन दांव पर लगाती हूँ जी या लगाता हूँ, चलते चलते वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में मेरे पीछे पड़ जाता है और जी दूसरी चीजें महत्वपूर्ण बन जाती है। मुझे यहाँ पर एक कोटेशन याद आ रहा है, ब्रायन टाइसन करके CEO थे कोका कोला के। जी कॉरपोरेट कल्चर है आजकल, हम बहुत कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत फास्ट जाना चाहते हैं टॉप द लैडर, पर ये CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोका कोला कंपनी, उन्होंने कहा कि लाइफ इज लाइक अ हैंडलिंग 4 बॉल साइमल्टेनियसली टुगेदर। उसमें हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फैमिली है और आपका जॉब है। तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव कहा कि जीवन में हमारे जॉब इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है और हमारा स्पिरिट या पैसा भी इम्पॉर्टेंट है। तो जी ये सब करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि ये चारों बॉल को एक साथ जगल करना पड़ता है। हाँ जगलिंग माने आप समझते, एक हाँ साथ जी वो हाँ चार जी बॉल्स को बिल्कुल हवा में उड़ाते हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छा बताया कि इसमें से एक बॉल है वो रबर का है, वो है जॉब, अच्छा लेकिन बाकी सब जो बॉल है, जो फ्रेंड्स है, फैमिली है या स्वास्थ्य स्वास्थ्य है। है, ये जो बॉल है ये कांच के है। अच्छा ये तीनों जो हाँ, है कांच के तो हैं, हमारा इनको छोड़ना नहीं स्वास्थ्य चाहिए। आपका ये हो सकता है कि जॉब का बॉल चला गया है तो जी चलेगा, पर ये तीन चीजें जो है एक जी बार टूट गई जी है ना, इट्स लाइक अ ग्लास, वंस इट इज ब्रोकन आप उसको जोड़ देंगे जी लेकिन वो स्क्रैच दिखाई देगा। बिल्कुल सही तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप्स या संबंध प्राथमिकता है जी तो आपका ये इशू आना नहीं चाहिए। हाँ, जो मतलब हम चैलेंज कह रहे हैं, आना पर नहीं चाहिए। अभी जो स्थिति है पूरे समाज के अंदर, ये समय की जो मैंने आपको बात की कि समय ऐसा बहाव है जिसकी वजह से कई चीज़ें इंसान करना नहीं चाहता लेकिन होता है, या जैसे अपने आप उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो रहा है इन्फ्लुएंस, समझ में भी आ रहा है, तो क्या समय का इन्फ्लुएंस भी है? क्योंकि एक या दो व्यक्ति उसको फॉलो करता है तो बात अलग है, लेकिन जैसे पूरे के पूरा समाज, पूरे विश्व के अंदर, ह्यूमन रेस में ये आज प्रॉब्लम है ना? तो क्या ये समय की बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, हम कहते भी है ना, गीता में भी लिखा हुआ है घोर कलयुग, तो क्या ये कलयुग की निशानी है? डेफिनेटली आध्यात्मिकता के हिसाब से ये समय है, चल रहा है, जी लेकिन इस प्रोग्राम के बहाने एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम, जी हम उनको कहना चाहेंगे कि भले समय का बहाव है पर हम भी उसी समय में है ना, आप हैं हम हैं, तो हाँ हमारे पास एक चॉइस हमेशा है ओके कि उस स्पीड से जाना या सम डाउन, वी हैव टू स्लो डाउन ना, आहिस्ता जी चले जिंदगी, ये यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, यस समवेयर यू हैव टू स्लो डाउन एंड लुक फॉर योर प्रायोरिटीज। जी आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की रफ्तार को स्लो डाउन करके देखना पड़ेगा। इसको हम मेडिटेशन में कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को जी अंतर्मुखी होके देखना कि
मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ, जिस दिशा में जा रहा हूँ, जी क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है मेरे को, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, है ना? मैं क्यों जी जी रहा हूँ, किनके लिए जी रहा हूँ? जी अगर मैं, कोई व्यक्ति कहता है, जैसे आपने कहा ना, समझ तो रहा है कि जी मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जी इट मीन्स समवेयर यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड चेक योरसेल्फ। भले ओके समय का प्रेशर है, जी मेजोरिटी लोगों में है, कलयुग के हिसाब से अंतिम समय है, जी लेकिन हमको अपने आप से बात करना जी चाहिए हमारे कि पास मेरे चॉइस भी है, चॉइस है। समय चाहे कोई भी चल रहा हो लेकिन मैं चूज करती हूँ खुद। जी बहुत सुंदर। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम बहुत बेसिक, सबसे पहला रिश्ता लेते हैं। जब मैं इस धरा पर जन्म लेती हूँ तो मेरा सबसे पहला रिश्ता जो बनता है वो माँ के साथ, माँ के गर्भ में मेरा सबसे पहला रिश्ता बनता है। लेकिन आज देखते हैं कि बच्चे जैसा ही जन्म होता है, साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि बच्चा इमोशनली वीक पैदा हो रहा है। तो क्या वो गर्भ से ही रिश्ता कुछ ऐसा बन रहा है? क्या बात है ऐसी? क्योंकि ठीक है, स्ट्रेस है, ये सब कुछ बातें हैं, एक स्कूल में जाने के बाद हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन स्कूल में जाने के पहले ही है तो ये क्या है? जब बच्चा गर्भ में तैयार हो रहा था, इट इज़ नॉट ओनली मदर्स, पेरेंट्स दोनों का जीन्स आते जी हैं। तो आपके माँ बाप से आपको जीन्स मिले हैं, फिर जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हो रहा है, तो मदर की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमको हमेशा ध्यान में रखने जी चाहिए। और हर एक चाइल्ड इमोशनली वीक नहीं होता है, अभी इसके ऊपर परसेंटेज देखना चाहिए जी कितना बहुत। है। हाँ हाँ, मतलब मना हम ये भी जनरलाइज नहीं हम कर देख, सकते। हाँ ये भी हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे फैक्टर्स पहले भी थे, ऐसे नहीं कि पहले इमोशनली वीक नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से जो बात हमने पहले भी जी देखी कि जब कलयुग का अंतिम समय है, जी इसका मतलब तत्व जो है इस समय, पांच तत्व, वो जी तमो प्रधान है। मुझे एक बात यहाँ पर याद आती है कि ब्रह्मा कुमारी के फाउंडिंग फादर्स जो थे, ब्रह्मा जी बाबा, उनके पास एक माता ऐसी आई ओके अपने बच्चे की समस्या लेके, और उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा क्या करूँ, ये मेरे बहुत मेरे को टेंशन देता है, ये इसको कैसे संभालना मेरे को नहीं आता है, आप ही इसको समझाओ। जी बहुत परेशान थी अपने बच्चे की वजह से, जो आपने कहा ना इमोशनली वीक या जो भी है, कम शक्ति वाले। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बाबा ने उस माता को कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि बच्चे अभी मिट्टी कैसे है, सत्व प्रधान है या तमो प्रधान है? जी तो माता ने कहा मिट्टी तो तमो प्रधान है। तो फिर बाबा ने कहा जैसे मिट्टी होगी वैसे बर्तन बनेंगे। हाँ बिल्कुल तो सही मिट्टी तमो प्रधान है, तो बर्तन भी वैसे ही बनेंगे। तो ये बात जरूरी है कि जो भी, अगर ऐसे प्रोजेनी जन्म ले रही है इस समय, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हम मिट्टी को ही देखे, जी हम सब जानते हैं आजकल पॉल्यूशन कितना है, बाहर हवा जी में, पानी में, जमीन में, पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही और तत्व इस समय तमो प्रधान है, माना तूफान आ जाते हैं, बारिश पड़ जाती है, माना विदाउट एनी सीजन इनबैलेंस है पूरा। इम्बैलेंस है पूरा प्रकृति में। तो जैसे तत्व होंगे या जैसे मिट्टी होगी वैसे बर्तन होंगे। तो डेफिनेटली इस समय की मिट्टी, मैं जब सीनियर सिटीजन्स का लेक्चर लेता हूँ या जब यंगस्टर्स के साथ भी मैं बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले के मॉडल बहुत अच्छे थे, मैंने अच्छा पहले के शरीर, आज हम डॉक्टर्स कहते हैं कि घी ज़्यादा नहीं खाओ, तो जी हमको 60-70 साल, 80 साल वाले लोग कहते हैं कि आप कहते हैं डॉक्टर साहब घी नहीं खाओ, हम खाते नहीं थे, हम तो पीते थे घी, लेकिन जी हमको कुछ नहीं हुआ। तो वो ये हम देख रहे हैं कि पचाने की समा, शक्ति थी, हाँ, वो शक्ति जो थी वो कम होते जा रही है, शरीर के अंदर कम हो रही है या दोनों ब्रेन के बातें हैं। अंदर? हम शरीर को स्थूल रूप में देखते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी में हम शरीर के साथ आत्मा को भी देखते हैं, ठीक है ना? ओके जो भगवत गीता की आपने बात कही, तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 23-24वां श्लोक है, नैनम चिन्तन्ते शास्त्राणि, माना हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली जी चैतन्य जी शक्ति है। और राजयोग भी यही कहता है कि हम आत्मा है और शरीर हमारा वस्त्र है। तो दोनों में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, पावर कम हो रही है दोनों में भी दोनों में पावर। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले नियम था कि हम जब बचपन में थे या हमारे से भी सीनियर लोग थे, तो महाराष्ट्र में, मराठी में हम ऐसे कहते कि छड़ी लागे छम छम विद्या ये गम गम, मना जब मार पड़ती है तो बराबर सुधरते हैं। लेकिन आजकल वो आज कायदा इस कायदा नहीं है नहीं है, आज हम मार नहीं सकते, सकता बोल भी नहीं सकते हैं, जी
बच्चों में वो ताकत नहीं रही कि वो सुन सके पेरेंट्स का, सहन करने की शक्ति जी नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि पावर कम होते जा रही है। हम कहते हैं कि आत्मा का रूप वही है, वो कभी चेंज नहीं होता है। भगवद गीता में भी लिखा है आत्मा का रूप नहीं बदलता, आत्मा अपने रूप में बहुत प्योर फॉर्म में है। हम कहते भी हम सब भगवान के बच्चे हैं। फिर आत्मा में गिरावट कैसे आई? शरीर का तो हमने समझा कि प्रकृति तमो प्रधान है, जैसे मिट्टी है वैसे हमारा शरीर बनता है, लेकिन आत्मा कैसे गिरती है? आत्मा गिरती नहीं है, और भगवद गीता में भी ऐसे नहीं लिखा है कि आत्मा का रूप चेंज नहीं होता है। आत्मा है, आत्मा में रिकॉर्ड होता है। आत्मा इज लाइक अ बैटरी। तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो आत्मा की पावर कम होने लगती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, है ना, बर्थ जैसे लेते हैं। तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अच्छा, जिसका अर्थ बताते हैं, आपने कहा भगवान का रूप है आत्मा, ओरिजिनली बहुत प्योर है, डेफिनेटली है, पर कब है? जब वो अपने घर में है, परम धाम में है, जहाँ से वो इस सृष्टि पर आते हैं, या उसका फर्स्ट बर्थ में है। पर जैसे वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आती है, तो एज पर द लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो भौतिक शास्त्र का नियम है कि आपकी एनर्जी कम होनी ही है ओवर अ पीरियड, कोई भी चीज आप इस सृष्टि पर ले लो, उसको वो स्टेज में जाना ही है। अभी हमने कपड़े जो पहने हैं, जब ओरिजिनल अवस्था में बिल्कुल प्योर होते हैं, जैसे यूज करने लगते हैं, उसकी क्वालिटी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसे आत्मा भी क्वालिटी जो शुरुआत में थी, वो तो कम होनी ही है। तो उस अनुसार हम इस ड्रामा के, वर्ल्ड ड्रामा के साइकिल में है, जिसमें इसकी पावर कम हो रही है, और हम ये देख रहे हैं। लेकिन यही समय है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे हमारे बैटरी डिस्चार्ज होते हैं, हम उसको पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, चार्जर में लगाते हैं, हमारा मोबाइल भी हम चार्ज करते हैं। सिमिलरली हमको भी अगर ये रियलाइज हो रहा है इस समय कि तत्व तमो प्रधान है, लेकिन मेरी भी शक्ति कम हो रही है, तो कम से कम मैं अपनी शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, और उस बढ़ाने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन है। कई बार बच्चे डिसेबल जन्म होता है बच्चों का, तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं, बहुत परिवार दुखी हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसका भी, कि जैसे वो जीन्स सिर्फ बायोलॉजिकल है या फिर आत्मा का भी कोई कनेक्शन है? मेडिकल साइंस तो यही मानता है कि जीन्स है, ठीक है ना, जो जीन्स में होता है उस अनुसार जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो उस जीन्स में कोई खराबी आती है, उसके वजह से होता है, ठीक है ना। या तो फिर वो खराबी कुछ लोगों की पता नहीं चलती, या दवाइयों के वजह से भी खराबी आती है, कई सारी चीजें ली जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन आज हमको आध्यात्मिकता ये कहती है, और साइंस भी ये मानने लगा है, कि जीन्स आर लाइक लोडेड गन्स एंड आवर लाइफ स्टाइल इज अ ट्रिगर। तो जीन्स भले हमारे अंदर है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, जिसमें खास करके हमारे जीवन पद्धति माना केवल खाना पीना और घूमना नहीं है, जीवन पद्धति माना हमारे सोचने का तरीका भी। पूरा हाँ बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हो? हाँ और आज बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं। मेरे को ब्रूस लिप्टन की याद आ रही है। ब्रूस लिप्टन एक बायोलॉजिस्ट है, जिसने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि बिलीफ क्रिएट्स बायोलॉजी। हाँ, माना हमारे मान्यता से हमारा शरीर बनता है, तो हमारी मान्यता कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। और ये भारत का विचार है, भारत ने पूरे विश्व को दिया, कि संकल्प से सृष्टि बनती है। इवन इस दुनिया के बारे में ऐसे कहते हैं, भारत में ऐसी मान्यता है कि जब नई सृष्टि बनानी थी, तो पहले परमात्मा को संकल्प आया और उसने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की। तो ये भी संकल्प की सृष्टि है ना। अगर संकल्प से सृष्टि बनती है, तो शरीर नहीं बन सकता। तो शरीर जो बन रहा है, वो हमारे संकल्पों से ही बन रहा है। और सही। आज साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जो विचारों को हम जन्म देते हैं, उससे हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो अभी आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, पहला कौन आता है, शरीर आता है या संकल्प आता है? तो यहाँ पे हमको ये समझना है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। संकल्प आपका मतलब है आत्मा, विचार, हाँ, अन्य। संकल्प आत्मा का एक हिस्सा है, आत्मा के अंदर जो शक्ति है, मन जी की जी शक्ति, जो हमने पिछले हाँ एपिसोड हाँ में देखी, हाँ जो संकल्प को जन्म देती है, जी उस अनुसार शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन अगर शरीर में कोई तकलीफ है, तो जी उसका भी मन के ऊपर इफेक्ट आता है, दोनों एक ठीक है दूसरे ना। के साथ तो जुड़े हुए दोनों एक दूसरे के साथ इफेक्ट डालते हैं। लेकिन हम मेडिटेशन से मन की शक्ति को इतना बढ़ाते हैं कि हम शरीर की शक्ति को कंट्रोल में रख सकते हैं, जी ये हमारा अनुभव है।
तो मतलब जो हमारा पहला रिश्ता है, सबसे हाँ पहला कोई बच्चा आने वाला है घर में, फैमिली के अंदर, माता पिता को एक तरह से खुशी भी बहुत है, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि स्पेशली इन फर्स्ट चाइल्ड। तो हम इस पे बहुत कुछ आगे पूछना चाहेंगे, इसी बात को हम आगे के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आपने जो भी हमको बात बताई कि किस तरह से शरीर कमज़ोर है बिकॉज तमो प्रधान सृष्टि है, तो ये पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने देखा कि हमारे जीवन में प्राथमिकता बनाए रखना, उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की इसकी पूरी बातचीत में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे चारों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे वो बॉल है, डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि कैसे हमारा जॉब ये एक रबर का बॉल है, और रिश्ता, हमारी अपनी सेहत, हमारे दोस्त, वो सब कांच के बॉल हैं। तो अगर हमको रिश्तों को सहेजना है तो हमको इसके पास बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे अगले सीक्रेट में। तब तक के लिए नमस्ते।